हे वेलकम दोस्तों, ऑटो कंपेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ऑल्टो K10 और टाटा टियागो को। आज का ये वीडियो दोस्तों हमारा एक सब्सक्राइबर भाई की रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है, जिनका आप नाम अपने डिस्प्ले पे पढ़ पा रहे हैं। ऑल्टो K10 और टाटा टियागो, आखिर कौन सी है परफेक्ट हैचबैक आपके लिए इंडिया के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम डिजाइन का शुरुआत करेंगे। डिजाइन वाइज ऑल्टो K10 एक हाईटेक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड एक हैचबैक गाड़ी है, वहीं टाटा टियागो भारत की सबसे सुरक्षित हैचबैक गाड़ी है जो कि हैचबैक बेस्ड है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर हम इन तीन फैक्टर्स में बात कर रहे हैं तो डायमेंशन वाइज यहाँ पे जो टाटा टियागो है ये 235 mm ज्यादा लंबी है, चौड़ाई के मामले में 187 mm ज्यादा चौड़ी है और ऊंचाई के मामले में 15 mm ज्यादा ऊंची है। इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन की बात करेंगे तो टाटा टियागो काफी ज्यादा बेहतरीन प्रेजेंस देती है एज कम्पेयर टू ऑल्टो K10। यहाँ पे बूट स्पेस की बात करूँ तो ऑल्टो K10 में दिया गया है 214 लीटर का बूट स्पेस और वहीं टियागो में मिलता है 242 लीटर का बूट स्पेस। ग्राउंड क्लियरेंस सिमिलर है, ऑल्टो K10 में दिया गया है 160 mm का और टियागो में है 168 mm का। तो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन बिल्ड यहाँ पे टाटा टियागो क्लियर बाजी मार जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर लुक्स की बात करें तो ये सब्जेक्टिव मैटर है, किसका पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंजन वाइज बात करूँ तो ऑल्टो K10 में दो प्रकार के इंजन आते हैं। पहला है 1000 cc का K10Z पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 65 bhp का विद अ टॉर्क ऑफ 89 Nm टॉर्क। इसमें दोस्तों एक CNG का भी ऑप्शन आता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 55 bhp का विद अ टॉर्क ऑफ 82 Nm टॉर्क। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं टाटा टियागो की तो टाटा टियागो हम दोस्तों आपको देखने को मिलता है 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन जो कि पेट्रोल है। ये इंजन पावर जनरेट करता है 84 bhp का विद अ टॉर्क ऑफ 113 Nm टॉर्क। इस गाड़ी में इसी सेम इंजन के साथ एक सेम CNG ऑप्शन भी आएगा जो कि 72 bhp का पावर जनरेट करती है विद अ टॉर्क ऑफ 95 Nm टॉर्क। तो यहाँ पे आप दोनों ही गाड़ियों का इंजन वैल्यू पढ़ पा रहे हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों के बीच में तो यहाँ पे क्लियर कट में बोलूँ तो टाटा के इंजन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू ऑल्टो K10। बात करेंगे दोस्तों हम लोग माइलेजेस की, तो हाँ माइलेज में हर बार मारुति ही बाजी मारती है और इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है। मारुति ऑल्टो K10 देती है पेट्रोल पे 25 का माइलेज और CNG पर 33 का, और वहीं टाटा टियागो देती है दोस्तों पेट्रोल पे 22 का और वहीं CNG पर 26 का। ये ARI वैल्यूज है, इसके अप्रोक्स में हाईएस्ट माइलेज आती है। अगर हम बात करते हैं माइलेज सेक्शन में तो यार देखो, अगर आप आम आदमी हो, आपकी जरूरत माइलेज है, तो मैं आपको ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, मैं कहूँगा भाई मारुति उठा लो, आपको माइलेज में कभी निराशा नहीं मिलेगी। बात करेंगे दोस्तों इंफोटेनमेंट सिस्टम की। इंफोटेनमेंट सिस्टम वाइज ऑल्टो K10 का इंटीरियर बहुत अच्छा है। 7 inch का टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड एबल नेविगेशन, 4 स्पीकर आ जाते हैं। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुल्ली डिजिटल दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक प्रीमियम सी फीलिंग जरूर आ जाती है। वही बात करूँ टाटा टियागो की दोस्तों, इस गाड़ी का इंटीरियर में एक खास बात बताऊँ ना तो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम दिखता है। जो बिल्ड क्वालिटी है, जो टचेस है वो बहुत प्रीमियम है। 7 inch का टच सिस्टम, एंड्रॉइड एबल नेविगेशन, 4 स्पीकर इसमें भी आ जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डैशबोर्ड किसका सुंदर है तो ये सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन किसके डैशबोर्ड में क्वालिटी है तो वो है टाटा टियागो। बात करेंगे सेफ्टी वाइज, तो सेफ्टी वाइज देखो यार, ऑल्टो K10 करंट टाइम में जो बिकती है मार्केट में, इसकी अभी NCAP रेटिंग नहीं हुई है, लेकिन पुरानी मॉडल की हुई थी जिसको मिले थे 0 स्टार। वही बात करूँ टाटा टियागो दोस्तों, ये प्रमाणित गाड़ी है, इंडिया की सबसे सुरक्षित हैचबैक विद 4 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग, और इंडिया की इकलौती ऐसी हैचबैक है जिसमें इतनी अच्छी सुरक्षा देखने को मिलती है, कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। तो देखो अगर आपको अपने परिवार से प्यार हो, ज़्यादा हाईवे पर चलाना है, सुरक्षा चाहिए तो टाटा टियागो ज़्यादा अच्छी होगी। बाकी यार बात करते हैं फीचर्स की, तो दो एयरबैग्स दोनों में देखने को मिलेंगे, ABS-CVT, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक जैसे फीचर दोनों में देखने को मिलते हैं। एक फीचर बहुत अच्छा लगता है मुझे टाटा टियागो का, वो है कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल जो कि टियागो में देखने को मिल जाता है। तो सेफ्टी वाइज यार क्लियर कट में सुन लो जो आप टाटा टियागो की जीत गई। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर प्राइसिंग की, दोस्तों प्राइस वाइज बात करें तो ऑल्टो K10 में पेट्रोल में कुछ 4 मॉडल आते हैं जो ऑन रोड अप्रॉक्स कीमत शुरू होती है 4,50,000 से, और टॉप वेरिएंट 6,80,000 में जाती है। CNG में इसमें एक मॉडल आता है जिसकी कीमत है 6,70,000 रुपया। पेट्रोल में अगर हम बात करते हैं टियागो की, तो टियागो की पेट्रोल मॉडल कीमत शुरू होती है 6,20,000 से, टॉप वेरिएंट 8,55,000 रुपये में आ जाती है। मैं आपको ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइसिंग बता रहा हूँ। CNG में इसमें इसकी कीमत शुरू होती है 7,21,000 से, और टॉप वेरिएंट कीमत 8,94,000 रुपये जाती है। तो देखो यार प्राइस अगर हम देखते हैं ना, तो एक चीज़ आपको क्लियर कट हो गया होगा कि ये दोनों ही गाड़ियों की प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखो भाई, जिसका बजट 5 लाख रुपए है वो क्यों 7 लाख रुपए लगाएगा? तो आसान शब्दों में यही कहना है कि देखो दोनों गाड़ी अलग अलग सेगमेंट की गाड़ी है। अगर आपका बजट 6 लाख रुपए के ऊपर जाता है और पेट्रोल में चाहिए, तो जाहिर सी बात है मेरा कहना होगा कि आप टाटा टियागो ले।
लेकिन आपका बजट अगर 6 लाख रुपए के नीचे है, 5 लाख 5.5 लाख ले रहे हो, तो ऑल्टो के टेन डेफिनेटली उस रेट पे अच्छी डील है। लेकिन अगर आप मेरे अनुसार पूछें कि क्या ऑल्टो के टेन बेहतर है तो टियागो, तो मेरा कहना रहेगा देखो भाई, आज के डेट में महंगाई का ज़माना है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो ऑल्टो के टेन की माइलेज बहुत अच्छी है, जो कि आपके जेब पे हल्की पड़ेगी। लेकिन अगर आप दूर की सोचोगे कि मेरे परिवार को सुरक्षा चाहिए, मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो हम सब जिंदा बचे रहें, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचोगे, तो उस नज़र में टाटा टियागो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और डिपेंड करता है थिंकिंग के ऊपर, लेकिन ओवरऑल दोनों गाड़ी बेहतरीन है, अपनी अपनी दोनों की अलग अलग यूजेबिलिटी है, तो ज़रूरत पर डिपेंड करता है कि ऑल्टो के टेन अच्छा लगे या टाटा टियागो। आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑलवेज वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।